हाय देयर, सो दिस रीडिंग इज़ अबाउट व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट, आगे क्या आ रहा है इन योर लाइफ ऑब्वियसली. सो रिलैक्स्ड रहें, गहरी सांस लें, अपने गॉड को याद करें. लेट्स सी कि क्या कुछ होने वाला है विद यू. और यहाँ पे क्या कुछ से मेरा मतलब है इमीडिएट नेक्स्ट, बस आगे अभी से इस मोमेंट के बाद से कुछ ही दिनों में क्या चेंजेस आने वाले हैं एज फार एज लाइफ इज कंसर्न. लेट्स सी क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, क्या कुछ चैलेंजेस हैं जो रिजॉल्व होने वाले हैं. व्हाट्स कमिंग, क्या आ रहा है. ऑलराइट, ओह कॉन्ग्रेचुलेशन मेजर अरकाना, बैक टू बैक ऑल कार्ड्स आर फ्रॉम मेजर अरकाना, सब कार्ड्स मेजर अरकाना से हैं ये आपके. ऑलराइट, नंबर सिक्स लवर्स, नंबर 18 द मून, नंबर 7 चैरियट जजमेंट, 20 कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में भी मेजर अरकाना. ओह माय गॉड, लेट्स कीप इट हियर. सो व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट, क्या आ रहा है. समवेयर व्हेन यू वर चीटेड या आपके साथ कुछ इनजस्टिस अगर हुआ है आपको लगता है, तो जजमेंट इज कमिंग, जजमेंट आ रहा है, जजमेंट आ रहा है. और आने का जो हमारा क्वेश्चन था क्या आ रहा है, उसको वेरीफाई करने के लिए द चैरियट कार्ड खुद यहाँ पे आ गए हैं. मेजर अरकाना के ही है ये सभी कार्ड्स हैं. कॉन्ग्रेचुलेशन, तो आपकी तरफ जजमेंट आ रहा है एंड यू आर गोइंग टू कम अक्रॉस योर सॉलमेट जो भी हैं. और यहाँ पर द हायरोफेंट जो हैं ये दिखा रहे हैं कि आपकी मैरिज के भी प्रपोजल आपकी तरफ आ रहे हैं. और फॉर सम ऑफ यू, आप में से कुछ के लिए ये आपके पास्ट पर्सन से आ रहे हैं. एंड फॉर मैनी ऑफ यू ये जो प्रपोजल आ रहा है, दिस विल बी अ न्यू वन, नया प्रपोजल आपकी तरफ आ रहा है. ऑल राइट, सो दिस इज़ वेरी कूल, दिस इज़ वेरी फंटेस्टिक. आई थिंक आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज एवरी वे यू आर गोइंग टू गेट अबेंडेंस, आपको अबेंडेंस मिल रही है. लेट्स सी फ्रॉम एनर्जी ओरेकल्स कि क्या आ रहा है लाइफ में. एनर्जी ओरेकल्स से देखते हैं व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट टू यू, क्या आ रहा है आपके पास. लाइफ कहाँ आपको ले जा रही है, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट टू यू. रेस्ट एंड रेजुविनेशन, तो आप रिलैक्स होने वाले हैं और इस रिलैक्सेशन के बाद आपको कुछ क्लैरिटी मिलने वाली है लाइफ में. वॉकिंग अवे, कुछ सिचुएशन से आप खुद आगे बढ़ना चाह रहे हैं, अभी स्टक हैं, बार बार मुड़कर देख रहे हैं, बट जब रेस्ट एंड रेजुविनेट कर लेंगे उसके बाद यू विल बी एबल टू मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ेंगे. वुमन होल्डिंग अ कॉइन, कॉन्ग्रेचुलेशन. यहाँ पर भी द लवर्स कार्ड है, यहाँ पर भी द हायरोफेंट है, मैरिज कार्ड है. वुमन होल्डिंग अ कॉइन, तो कोई पर्सन तो आपको जल्दी ही अकंपनी करने वाले हैं. ओके, दिस इज कूल. लेट मी सी फ्रॉम दीज कार्ड्स ऑल्सो, इन कार्ड्स से भी देखते हैं व्हाट्स गोइंग टू कम, क्या आने वाला है. ओह माय गॉड, सडनली दीज कार्ड्स हैव कम आउट, तो इन्हें वापस रख लेते हैं. बट दोज कार्ड्स वॉन्टेड टू गिव यू सम मैसेज, वो कुछ तो मैसेज आपको देने वाले थे. नो इश्यूज, आना होगा तो दे विल कम अगेन, दोबारा से आ जाएंगे. लेट्स सी व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट, क्या आ रहा है आगे. ओह माय गॉड, फिर से आ गए. तो टू ऑफ वेंट्स एंड दिस इज पेज ऑफ कप्स. तो जो पर्सन आपसे इस वक्त लॉन्ग डिस्टेंस में है वो आ रहे हैं. यहाँ पर जर्नी कार्ड भी है, देखिए द चैरियट जो है जर्नी कार्ड ही होता है. एंड सब कुछ आने ही वाला है. व्हाट्स कमिंग, सम रोमांटिक ऑफर. एंड रोमांटिक ऑफर मींस इट कैन बी योर फॉर योर सॉलमेट, फॉर योर लाइफ पार्टनर. लेट्स सी कैन एंजल्स गाइडेंस, एंजल्स से पूछते हैं क्या आ रहा है. एंजल्स, एंजल्स बोल रहे हैं वेट करो, बट वो हम कर ही रहे हैं ऑलरेडी वेट, अपने आप कार्ड्स निकल करके आ रहे हैं. वेट करो और कह रहे हैं कम्युनिकेट क्लियरली, जो भी आपकी तरफ ऑफर आ रहे हैं कम्युनिकेट क्लियरली, क्लियरली कम्युनिकेट करें. चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, एक नया डायरेक्शन चूज़ करें, बिकॉज
जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है, किसी सिचुएशन से वॉक अवे करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आपको एक नया डायरेक्शन चूज़ कर लेना चाहिए। और जैसे ही आप ये डायरेक्शन चूज़ करेंगे, तभी ये सब चीज़ें आपकी तरफ आती हुई दिखाई देंगी। अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है इन फ्यूचर। यू आर रेडी, आप तैयार हैं इस अपॉर्चुनिटी को वेलकम करने के लिए। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, दिस इज़ वेरी फंटेस्टिक। कॉन्ग्रेचुलेशन।